नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 25 अगस्त 2023 शुक्रवार का दिन है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष आज नवमी तिथि है। नक्षत्र आज ज्येष्ठा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:37 से लेकर 12:38 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:41 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी वृश्चिक राशि पे। आज का अशुभ काल का समय रहेगा तकरीबन प्रातः 7:42 से लेकर सुबह 8:29 तक रहेगा। इस अशुभ काल में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की और ये प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि के जातकों, आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आज आपकी विशेष व्यक्तियों से पहचान एवं मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी। आज एक छोटा सा टिप्स है मिथुन राशि को, अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा अक्सर होता रहता है किसी कारणवश आप लोगों के बीच में तनाव पैदा रहता है, तो फिर आप माता लक्ष्मी जी को आप शुक्रवार के दिन से 2 लौंग अर्पित करना शुरू कर दीजिए और अगले दिन सूर्य उदय से पहले ही उन 2 लौंग में से 1-1 लौंग दोनों व्यक्ति पति पत्नी खा लें। लगातार आप ये 11 शुक्रवार करें, आपकी कैसी भी दिक्कत हो पति पत्नी के बीच में सब दूर हो जाएगी। तो चलिए आप विस्तार करते हैं। देखिए मिथुन राशि के जातकों, आज उपलब्धियों से भरा रहने वाला है आज के दिन। जीवन साथी का आज आपको हर कदम पर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आज मिथुन राशि को आज आपको लाभ होगा, अच्छा रहेगा, बेच पाएंगे। आज के दिन आप कई योजना बना सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा और संतान से आपको काफ़ी खुशी मिल रही है क्योंकि आज उनकी पढ़ाई में आज आप उनकी मदद करते दिखाई देंगे और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई देंगे और आपके कार्य क्षेत्र में सहयोग भी प्राप्त दिखाई करते दिखाई देंगे। कैरियर में सफलता मिलने के योग बनते नजर आएंगे, लेकिन आज आपको अपने पड़ोसियों से उलझने से बचना होगा। आज आपको नौकरी में भी कोई बड़ा पद या फिर मान सम्मान मिलता नजर आएगा। आज आपके बॉस आपके काम से बेहद खुश नजर आएंगे। हो सकता है वेतन में वृद्धि के योग बने और आज आपको थोड़ा सा काम का हालांकि प्रेशर रहेगा, हालांकि काम ज़्यादा होने से आपको फायदा ही होगा, काम ज़्यादा मिलेगा। हालांकि काम की वजह से मानसिक प्रेशर भी बढ़ सकता है। आज आप व्यवसाय हैं कुछ अलग करते नजर आएंगे और आज आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी से इनकी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, चाहे संतान को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, और आपके कार्यक्षेत्र में सहयोग करते दिखाई देंगे। कई बड़े महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होंगे, कई बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। माता पिता का आज सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। कई बड़े अच्छे अवसर आपके लिए काफ़ी विशेष रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। व्यापारियों को काफ़ी विशेष लाभ होता नजर आएगा। कुछ महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो कार्य नहीं अभी तक बन पा रहे थे वो कार्य बनेंगे। धन संपत्ति का लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए काफ़ी खास रहेगा। धन संपत्ति में इजाफा प्राप्त होगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करने का प्रयास करते दिखाई देंगे। कैरियर में आज आपको लाभ होगा। उच्च अधिकारियों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। बड़े अधिकारी आज आपके काम से काफ़ी खुश नजर आएंगे। स्टाफ के लोग भी आज आपके कामकाज से काफ़ी संतुष्ट नजर आएंगे। साथ ही साथ बता दें कि आज किसी कार के वजह से यात्रा करनी पड़ेगी। आज शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन आएगा। आज आपके रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे। साथ ही साथ आज विशेष तौर पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात भी कर सकते हैं। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। घर परिवार का सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। घर परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। कुछ महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होंगे। अभी तक अगर कोई कार्य नहीं बना तो वो कार्य बनेगा। विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। बड़े अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे और धन की प्राप्ति के योग भी बनते नजर आएंगे। कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो कुछ भी समस्या थी, जो कुछ भी परेशानियां थी, वो दूर होती नजर आएगी। आज कैरियर में सुधार होगा। नई जॉब लगेगी। जो जातक नई जॉब के लिए अप्लाई किए उन्हें लाभ होगा। गवर्नमेंट के क्षेत्र में भी आज आपको लाभ होगा।
गवर्नमेंट क्षेत्र में जो लोग यानी कि एग्जाम देना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए लाभ देने के लिए आज योग बन रहा है। तो आज हालांकि कुछ अड़चने और कुछ परेशानियां शिक्षा में आती दिखाई देगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे बड़े संस्था में दाखिला लेने के लिए जीवनसाथी का भी सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन किसी बात को लेकर अनबन या फिर कुछ कमियां ना निकालें। प्रेम जीवन में भी कुछ दूरियां बढ़ेगी, लेकिन आपकी वजह से बढ़ सकती है, यानी आप थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाएंगे। किसी बात को लेकर शक करने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे से बातचीत करके समस्या को हल करने का प्रयास करें। साथ ही साथ बता दें कि आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, पेट की समस्या या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या देखने को मिलेगी। खान पीन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पुरानी बीमारियों से भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा, बड़े भाई बहन का आशीर्वाद प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, रिश्तेदारों का आना जाना बना रहेगा, मेहमानबाजी करने का मौका मिलेगा, कई अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे। जो कार्य अभी तक नहीं बने थे, अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। व्यापार में आपको अधिक से अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी, कारोबार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ लगेंगे। अभी तक अगर कोई कार नहीं बना तो वो कार बनेगा, यानी निश्चित तौर पे ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, गोल्डन पीरियड साबित होगा। धन व्यापार में अधिक से अधिक वृद्धि होगी, बहुत ही अच्छी स्थितियाँ देखने को मिलेगी, व्यापारियों के लिए काफ़ी खास रहेगा, और साथ ही साथ किसी नज़दीकी मित्र का सहयोग प्राप्त होता नजर आएगा। साथ ही बता दें कि आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में आपको यानी कि पैसे खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाने का विचार मन बना सकते हैं। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बने रहेंगे, घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, संतान की तरक्की से आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। एक नन्हे मेहमान का आपके घर में किलकारी गूंजेगी, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ पार्टनर में कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो पारदर्शिता रखिएगा, विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़िए, ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी को उधार कर्जा पैसा ना दें, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन किसी को उधार कर्जा ना दें। आज के दिन बैंक से लोन वगैरह मंजूर होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय मामलों में मजबूती देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वकालत मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ होगा। साथ ही कलाकार मीडिया के क्षेत्र से मॉडलिंग का काम करते हैं तो बेहतर अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। किसी यानी कि अनजान व्यक्ति से आज ज़्यादा यानी कि उन्हें लगाव ना दें और कोई जिम्मेदारी ना दें। और वैसे कहा जाए तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, ओवरऑल आज करियर बिजनेस व्यापार में आज आपको तरक्की मिल रही है। तो आज आपका शुभ रंग रहेगा हरा, भाग सातनी बारह तकरीबन 85% और शुभ अंक रहेगा आज आपका यानी कि 7। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।